स्वच्छ भारत अभियान और सबका साथ सबका विकास, देश में दो ऐसे नारे हैं जिसे हर एक इंसान अपने आप को जोड़ सकता है, लेकिन सियासी नारों और सच्चाई में बड़ा अंतर है। हम आपको लगातार गाजियाबाद के तमाम इलाकों की समस्याएं दिखा रहे हैं। इस कड़ी में लोकल वोकल की टीम एक बार फिर से लोनी पहुंची। अब की बार हमारी टीम लोनी के अशोक विहार 2 में गई। इस इलाके में पहुंचते ही लोकल वोकल की टीम को सड़क के नाम पर सिर्फ मिट्टी और ईंट दिखाई दिए। इन सड़कों पर हर वक्त दिक्कत होती है। अगर गर्मी का मौसम हो तो धूल धक्कड़ से परेशानी, बारिश हो तो कीचड़ से मुश्किल। कुल मिलाकर अशोक विहार 2 में सड़क की सबसे ज्यादा दिक्कत है। लेकिन हालत देखकर समझा जा सकता है कि दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी जिम्मेदार लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इस इलाके में एक दो समस्याएं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। मुख्य 3 समस्याएं क्या है पहले ये सुनिए, इसके बाद एक एक कर समस्याओं से आपका सामना कराएंगे। यहाँ पर 3 तरह की मूलभूत समस्याएं हैं। पहली समस्या जो है जल की समस्या है। जल की समस्या क्या, मतलब पानी आता ही नहीं है। फरवरी में एक बार पानी आया था, उसके बाद पानी आया नहीं, और पानी आया तो ऐसा है कि नाली पानी उससे बढ़िया होता है। और कितनी कंप्लेंट कर चुके हैं पानी कंप्लेंट के लिए, हम नगर पालिका जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर बोल देते पैसे नहीं हमारे पास में, पानी रिपेयर पैसे लेने आ जाते हैं 50 रुपये महीने के, और पानी की कोई समस्या सुनता नहीं है। यहाँ तक कि हमने चीफ मिनिस्टर की हेल्पलाइन पर भी कंप्लेंट करी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसके बाद ये रोड कंप्लेंट करते हैं हम, रोड बनाने के लिए कोई सुनवाई नहीं है उसकी भी। उनका फंड ही नहीं है, बोलते फंड गांव में लग जाते हैं, गांव वाले पैसा सारा अपने गांव में लगवा लेते हैं, यहाँ आता है पैसा। बिजली खंभे लगे हुए हैं, लाइट नहीं है। लाइट लोग लंबे लंबे तार खींच लाओ, कभी फूट जाती है, कभी टूट जाती है, कभी बंदा तोड़ देते हैं, कभी कोई ट्रैक्टर तोड़ देता है, लाइट गायब हो जाती है। बिल तो लेने गवर्नमेंट आ जाती है और बिजली है नहीं, तार। ये तो मुख्य 3 समस्याएं हैं। अब जरा समस्याओं वाली सारी तस्वीर देखिए। अधिकतर जगहों पर पानी जमा हुआ है, पानी में कूड़ा करकट होने की वजह से बीमारियों के फैलने का भी डर है। इतनी गंदगी देखकर लगता है कि यहाँ पर महीनों महीनों कोई सफाई कर्मी नहीं आता, और बिजली के तारों की स्थिति भी जर्जर है। इन जर्जर तारों की वजह से इलाकों में हमेशा बिजली की समस्या होती है। गंदगी बहुत है, कूड़ा नहीं उठवाया जाता यहाँ से, और लाइट्स की प्रॉब्लम्स है, पानी की भी प्रॉब्लम्स है। हमारी गली में तो लाइट के खंभे भी नहीं है, पीछे गली से लाइट ले रखी है, लाइट भी सही नहीं आती है। लाइट की सुविधा नहीं है, नाली घड़ों से आने जाने में दिक्कत होती है रास्ते में। गली में खंभा है, बिजली बिल भरते हैं, खंभा में कुछ नहीं गली में दिया है। गली में परेशानी हो रही, मतलब लाइट नहीं है, खंबा नहीं है, कोई चीज नहीं है। बाहर से लाइट जुड़वा के खंबा का दूर खंबा है, वहां से तार लाते हैं, फिर उसमें दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि जल निकासी की समस्या इस कदर है कि घरों के बाहर भी पानी जमा रहता है। शिकायतें कर करके हार चुके हैं, लेकिन इस ओर झांकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी है। नगर पालिका की तरफ से जो पानी मुहैया कराया जाता है वो भी गंदा रहता है, जिस वजह से लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। मकान के सामने पानी बहुत भरता है, बिजली की सबसे ज्यादा समस्या है। परेशान रहते हैं कॉलोनी वाले, हमारी तरफ तो कोई पलट के देखता भी नहीं है, बोर्ड मांगने आ जाएंगे, कोई देखता भी नहीं है। कचरे की है ना, तो कचरे की गाड़ी आती कचरा लेने, ना ही यहाँ जल निकासी का कोई साधन है, जहाँ देखो वहीं पानी भरा हुआ है, और ना ही यहाँ सड़कें हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत नाली खरंज हो गई है, बारिश के टाइम पर इतना पानी भर जाता है, पैदल भी नहीं निकल सकते। बड़ी परेशानी, पानी भर जाता है, घर में से निकलने में भी बड़ी दिक्कत, मच्छर माछी भी। नाली खड़ंजा, बिजली, पानी, गंदगी, हर समस्याओं से यहाँ के लोगों का आए दिन सामना होता है। लोग गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। जब इस इलाके की समस्याओं का पता लोकल वोकल की टीम को हुआ तो मौके पर पहुंचकर हमने सच्चाई जानने की कोशिश की, और हकीकत आपके सामने है। लोकल वोकल के लिए गाजियाबाद से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।